सो हेलो नमस्ते सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानिस्तान 2.0 पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शान के बारे में। सो गाइस, होता यह है कि शान का भी रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें कि उन्होंने अपनी तरफ से जो रिएक्शन दिया है हिप हॉप म्यूजिक के बारे में, रैप म्यूजिक के बारे में, और हनी सिंह के कुछ गाने हैं जिसके बारे में उन्होंने अपना पर्सनल रिएक्शन दिया है। तो इसमें वो बताते हैं कि रैप म्यूजिक जो है वो कोई भी बना सकता है, बेसिकली वो बहुत ईजी होता है एंड इट इज नॉट काइंड ऑफ अ म्यूजिक। म्यूजिक इतना पॉपुलर क्यों है? हमें लगता है गाली दे रहा है इसलिए नहीं, उसमें म्यूजिकलिटी है ही नहीं। अगर कोई गाना बना रहा है चार बोतल वॉट का, काम मेरा रोज का, आना मैंने जाना आना जाना ना ना, हाँ आप भी गा सकते हो। आज ब्लू है पानी 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 पानी, लुंगी डांस आप भी कर सकते हो। करेक्ट, इट इज द सिंपलेस्ट इजीएस्ट म्यूजिक एंड इट इज ऑब्वियसली द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक बिकॉज लगता है यार ये तो He's talking our language. This is easy. हम भी कर सकते हैं। So काफी कुछ उन्होंने बोला है guys, और उसके बाद जो है इंटरनेट पर उनको काफी ज्यादा hatred मिली है रफ्तार की तरफ से, और भी बहुत सारे rap stars हैं जिन लोगों की तरफ से उनको काफी ज्यादा hatred मिला है, जैसे Divine, Emiway, Banta है। So guys, इसके बाद ये होता है कि शान जो है अपने Instagram पर लाइव आते हैं और वो अपना रिएक्शन देते हैं Emiway, Banta है और रफ्तार को। तो वो क्या बोलते हैं गाइज, वो रिएक्शन मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो आप भी देखिए कि वो क्या बोल रहे हैं। बेफजूल का इस बात का तंकर बनाया है। When I said commercial rap, I think Raftaar is one of the finest rappers, और मैं जब भी उनकी चीजें देखता हूँ, I've always been publicly saying Raftaar हो, Divine हो, Nazy हो, Nazy's been in this studio also, and you know when I used to watch MTV Hustle, he was absolutely fantastic, all of them. इतना कमाल का उन्होंने वहाँ मतलब ना सिर्फ नए rappers को encourage भी कर रहे थे, लेकिन मैं जब भी मतलब पता नहीं क्यों मैं एक पॉजिटिव बात कहने की कोशिश कर रहा था, जब सिंपल कहते हैं तो रफ्तार को भी पता है कि उनके जो कमर्शियल पॉप टाइप के जो पीसेस है जिन्होंने किए हैं दूसरे आर्टिस्ट के साथ, सिंगर्स के साथ, दैट हैज गॉट अ पैन इंडिया कनेक्शन एंड आई एम नॉट सेइंग दैट, यू नो आई एम नॉट मेकिंग एनी मॉरल पुलिसिंग ऑन दैट कि वो क्यों ऐसा किया, व्हाई डज नी स्टे प्योर, ये सब बातें देखिए हर किसी को कहीं ना कहीं यू हैव टू गेट दैट पॉपुलैरिटी और वो कहीं ना कहीं आपको ये कमर्शियल चीज़ों से आती है। मैंने भी इतने सारे गाने गाए हैं तो मैं तो ये मैं सीना ठोक के नहीं कह सकता हूँ कि मैंने सिर्फ बहुत म्यूजिकल गाने गाए हैं और मेरी म्यूजिकलिटी बहुत हाई है। जिसने जैसा गाना गवाया है मैं जाके वहाँ गाया है। माई जॉब इज टू सिंग एंड आई ट्राई सिंग टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी और उसके लिए मैं सुबह उठकर जो भी रियाज करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ टू कीप माई यू नो कीप माई बॉडी माइंड एंड सेंसिबिलिटीज इन सुर। और सो आई एम मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपके रैप में अश्लील बातें होती हैं या आपके रैप में ये बातें होती है, हु एम आई टू मॉरल पुलिस एंड हु एम आई टू जज। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो कमर्शियल चीज़ है कंपनीज को वो और पसंद आती है क्योंकि वो चलता है एंड इट्स अ नोन फैक्ट। इफ यू लुक एट द व्यूज, इफ यू लुक एट द स्ट्रीम्स, देन जितना आपका सिंपल रैप हो जो हर किसी के साथ कर सकता है वो कैची आ जाता है, वो कैची चीज़ हो जाती है। मैंने भी स्नाइपर किया तो स्नाइपर हैज मोर स्ट्रीम्स देन माई अदर सॉन्ग्स दैट आई थॉट वर म्यूजिकली stronger and higher and that is just the way it is. I was just trying to explain a fact, a simple fact. और अगर उस बात को उल्टा पकड़ के ये कहना कि मैं rappers के मेरा जो बेटा है so हम वो खुद rap music produce करता है, उसका अपना album है City Mall, अगर आप देखें तो उसके सारे school के जो जितने बच्चे हैं उसमें से 6-7 बच्चे हैं जिन्होंने मिलकर इस पूरे rap इस पूरे album को किया है, उसमें English है हिंदी में, they've had a lot of fun, they've enjoyed themselves, it's a very entertaining album अगर आप देखें, City Mall का सेल्फ टाइटल एल्बम है, 10 गाने हैं। सो व्हाई वुड आई बी अगेंस्ट रैपर्स, व्हाई वुड आई बी अगेंस्ट देसी हिप हॉपर्स। आज भी मैं देख रहा था, आई मीन इट्स सच फैंटास्टिक। और हाँ गाइस, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो गाइस नोटिफिकेशन पैनल पे आपको मेरी वीडियो दिख जाए। गाइस थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे एक और वीडियो पर।